हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 12, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, फर्स्ट, कंपाउंड हैविंग सी डबल ओ एच ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि जिन कंपाउंड में आपका सी डबल ओ एच ग्रुप होता है वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज CnH2n प्लस वन सी डबल ओ एच। ओके, नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP। फर्स्ट, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। जब हम प्राइमरी अल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं तब हमें एल्डिहाइड मिलता है। एंड एल्डिहाइड का हमें फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड कंसनट्रेट H2SO4 हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ओके, वाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अगर हम टॉलन रीजन के साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं या टॉलन रीजन के साथ हम इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ओके, नेक्स्ट है, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। साइनाइड यानी कि RCN इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइनाइड। यहाँ पर आपका CH3CN भी हो सकता है, CH3CH2CN भी हो सकता है। यानी कि हम मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड या प्रोपेन साइनाइड कुछ भी ले सकते हैं। तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX। एक्स की जगह आपका ब्रोमीन हो सकता है, हाइड्राइड हो सकता है, एंड आर की जगह आपका मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को जो हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथर में हीट में रिएक्ट कराते हैं तब हमारा जो है वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट CH3COOMgBr बनता है। ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें इथेनोइक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड मिलता है। ओके, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। नेक्स्ट पोजीशन है, तो किसी भी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ऑब्टेन होते हैं। लाइक RCOOR, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस कराया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो हमें यहाँ पर RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड और ROH यानी कि अल्कोहल मिला है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉम एल्किन। एल्किन से हम कैसे बना सकते हैं? एल्किन को हम कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 के साथ हीट कराने पर हमारा प्रोपेनोइक एसिड मिलता है। यानी कि हम इसको फॉर्मलेशन भी कहते हैं। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2O, इसको हमने H3PO4 के साथ जब हीट कराया तो हमारा CH3CH2COOH इनकी प्रोपेनोइक एसिड बना है। नेक्स्ट है, फ्रॉम ट्राई हेलो एल्केन का मतलब है आपका आयडोफॉर्म भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है। तो इस रिएक्शन में जब हम क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यानी कि तीन क्लोरीन एटम की जगह हमारे तीन OH ग्रुप अटैच हो जाते हैं। ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहाँ से एक आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और HCOOH इनकी फॉर्मिक एसिड हमारा बन जाता है। नेक्स्ट है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन का मतलब होता है आपका हम टॉलिन ले सकते हैं, ऑर्थोजाइलिन ले सकते हैं, पैराजाइलिन ले सकते हैं। तो जब हम टॉलिन का पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तब हमारा बेंजोइक एसिड बनता है। जब हम ऑर्थोजाइलिन का पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तब हमारा थैलिक एसिड बनता है। और जब हम पैराजाइलिन लेते हैं और उसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तब हमारा टर्थैलिक एसिड बनता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन वही है कि जब हम CH2 किसी भी एल्कीन की यानी कि हम यहाँ पर इथाइन ले सकते हैं, प्रोपाइन ले सकते हैं, इसकी रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ H3PO4 के साथ हीट कराते हैं तब हमारा प्रोपेनोइक एसिड बनता है। यही आपका कोच रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम एमाइड। इनकी हम एमाइड से कैसे बना सकते हैं? तो स्टूडेंट, जब हम किसी भी एमाइड को लाइक दैट हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है इथेनामाइड। जब हम इथेनामाइड को नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा
इथेनोइक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। अब ये तो थे आपके सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। दे आर पोलर इन नेचर फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सिस्टेंस डाइमर। ठीक है, यानी कि ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नेचर में पोलर होते हैं और इनकी जो एक्सिस्टेंस होती है वो डाइमर होती है। इनकी डाइमर के फॉर्म में एक्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स जो होता है वो दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। लोअर मेंबर्स आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट वेयर एज हायर मेंबर्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल ऑल्दो बोथ इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर इन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या होता है कि जो हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्कोहल से ज़्यादा होता है, जबकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो वो इसलिए होता है कि जो हमारा ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनाएंगे तो वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का इसलिए ज़्यादा होता है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर, द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका मोलिकुलर मास बढ़ता है या कार्बन चैन बढ़ती है, यानी कि नॉन पोलर पार्ट यानी कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, तो इनकी जो एसिडिक नेचर है वो कम हो जाती है। जैसे HCOOH इसमें प्लस आई इफेक्ट नहीं है, लेकिन CHCCOOH में प्लस आई इफेक्ट है। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर शो करता है। दे आर स्ट्रोंगर एसिड देन फिनोल एज वेल एज एल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी रिएक्शन विद एसिडिक वो एक्टिव मेटल। कार्बोक्सिलिक एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके जो है वो हमारा सोडियम इथेनॉइड बनाता है या सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाता है। ओके, रिएक्शन विद कार्बोनेट, जब हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो सोडियम इथेनॉइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओके, एक्टिव मेटल के साथ हम कराएंगे तब भी हमारा यही प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन भी PCl3 के साथ इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराने पर हमारा इथेनोइल क्लोराइड बनता है और फास्फोरिक एसिड बनता है। रिएक्शन विद PCl5 के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमारा इथेनोइल क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और PClO3 का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन विद एल्कोहल, इनकी एस्टरीफिकेशन, जब किसी भी इथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद अमोनिया। इथेनोइक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर अमोनियम एसीटेट बनता है, ठीक है, जो कि हमारा द्वारा से हीट करने पर एसिटामाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये एसिटामाइड है, CH3CONH2। डिकार्बोक्सिलेशन क्या है, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ यानी कि NaOH और CaO के साथ कराने पर हमारा एल्किन बनता है और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो सोडा लाइम क्या है, NaOH और CuOH, ये यहाँ पर आपका CaO है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है। इसमें रिडक्शन क्या है, इथेनोइक एसिड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन कराने पर हमारा एल्कोहल बनता है, और इथेनोइक एसिड का अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड या लेड फॉस्फेट के साथ हम रिडक्शन कराते हैं तब हमारा जो है वो एल्केन बनती है, इनकी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगी और इसमें से जो है वो आपका हमारा निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लाइक दैट, देखो ये रहा CH3COOH है, HIO रेड फॉस्फेट के साथ हमने इसको हीट कराया है तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, हेल बोल हार्ड जेलिनिस्पी रिएक्शन, इनकी HBZ रिएक्शन क्या है,
गिव ओनली दोज कार्बोक्सिलिक एसिड हैव ए अल्फा हाइड्रोजन। ये केवल वही कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है? जिस कार्बन एटम से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो कार्बन आपका अल्फा कहलाता है, और उससे जितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती हैं वो आपकी अल्फा हाइड्रोजन हो जाती हैं। लाइक दैट सी एस ए सी डब्ल्यू एच में ये सी डब्ल्यू एच ये तो एक आपका फंक्शनल ग्रुप है, और इससे नेक्स्ट वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ी हुई ये तीनों हाइड्रोजन आपकी अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब हम इनकी रिएक्शन क्लोरीन, फास्फोरस और HCl के साथ कराते हैं तो सबसे पहले आपका मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड बनता है, इसकी द्वारा से रिएक्शन कराने पर डाईक्लोरोएसिटिक एसिड बनता है, और इसकी फर्दर रिएक्शन कराने पर ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड बनता है। इसी को हम हेल बोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन बोलते हैं। कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है कि आपके सोडियम इथेनॉइड या कार्बोक्सिलिक सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें एल्केन मिलती है, NaOH मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन आपकी 11th क्लास की है। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट केमिकल टेस्ट। स्टूडेंट, ये इम्पोर्टेंट केमिकल टेस्ट आपका प्रैक्टिकल का होता है, लेकिन ये थ्योरी में भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जितने भी टेस्ट यहाँ पर हैं मैंने सब आपको लैब में कराए हैं। इनकी टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप कौन से होते हैं? आपके एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होते हैं। तो 2.4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन का टेस्ट भी कराया है कि जब हम किसी भी कार्बोनिल ग्रुप वाले को यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन को 2.4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ हीट कराते हैं तो आपका येलो प्रेसिपिटेट बनता है, और 2.4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन का येलो प्रेसिपिटेट आता है। ठीक है, इसी तरह से टॉलन रीजन टेस्ट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये केवल आपका एल्डिहाइड एरोमेटिक एलिफैटिक देती है, इनके एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड ही आपका टॉलन रीजन टेस्ट देती हैं। तो जो हम किसी भी एल्डिहाइड को टॉलन रीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सिल्वर मिरर आता है आपका, यानी कि जैसे सिल्वर मिरर का वो होता है ना पेंट, इस टाइप का हमारे शीशे जैसा कलर शो होता है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये भी आपका केवल एल्डिहाइड देता है। जब हम किसी भी एल्डिहाइड को एलिफैटिक एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमारा रेड प्रेसिपिटेट आता है। कीटो ग्रुप इसका टेस्ट नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट है आपका टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट भी आपने लैब में किए हैं। एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड इफरवेसेंस के साथ निकलती है। ओके, एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में आप जब अल्कोहल ऐड कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट एस्टरसोफोर तो आपकी एस्टर यानी कि फ्रूटी स्मेल आती है एस्टर की। टेस्ट और डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो टॉलन रिएजेंट का टेस्ट है वो फॉर्मिक एसिड देता है लेकिन एसिटिक एसिड टॉलन रिएजेंट का टेस्ट नहीं देता है। इसी तरह से HgCl2 टेस्ट फॉर्मिक एसिड देता है लेकिन एसिटिक एसिड नहीं देता है। तो अगर ये दोनों टेस्ट आपके कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है तो इसका मतलब वो फॉर्मिक एसिड है, हमारा एसिटिक एसिड नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक्स तो वी विल डिस्कस एट क्वारी टाइम। ओके, थैंक यू।